हर कैसे देख रहे हैं भैया, पूरे देश के अंदर ये जालीदार टोपी वाले शांति दूत इसी तरह का बवाल करते हैं। हिंदुस्तान के प्रति इन्हें कोई प्रेम नहीं है, हिंदुस्तानियों से कोई प्रेम नहीं है, बल्कि जिसको मानते हैं उससे भी प्रेम नहीं है। ये सिर्फ बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब का, लेकिन इस प्रकार से आज यहाँ पर हुआ, ये सारे के सारे सरकार के संरक्षण में हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। सरकार का संरक्षण नहीं होता तो इस प्रकार से ये बवाल नहीं काटते। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितने लोग इस पत्थरबाजी में बवाल करने वाले थे, सारे लोगों को अलग अलग मीडिया वालों ने लाइव चलाया है, वो सारे एकत्रित करके और उनका घर को कुर्क किया जाए, बुलडोजर चलवाने का काम किया जाए और उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पेश आया जाए। पुलिसकर्मी नपुंसक की भूमिका में होंगे तो घायल तो होंगे ही ना। सर, हनुमान मंदिर काली मंदिर को टारगेट किया गया शांति तरीके से? अरे भैया, मैं कह रहे हैं हनुमान मंदिर हो काले, देखिए किसी का भी आस्था है, हम कह रहे हैं कि कोई मस्जिद को टारगेट करता है वो भी गलत है, मंदिर को टारगेट करता है वो भी गलत है, और सिर्फ ये नहीं, चर्च रोड में जो हनुमान मंदिर है उसको भी टारगेट किया गया है, यहाँ पर जो मंदिर है उसको भी टारगेट किया गया है, हिंदपीढ़ी में जो मंदिर है उसको भी टारगेट किया गया है, तो सारे मंदिरों पर आप टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, आप राइट कराने का काम कर रहे हैं। और सरकार के पुलिस मार्गदर्शक की भूमिका में बनी रहती है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। क्या लगता है सोची समझी चाल की तरह पत्थरबाजी की गई है क्या? ये बिल्कुल सोची समझी थी भैया, और ये मस्जिद में नमाज के बाद यही बताया जाता है कि आपको क्या करना है। अच्छा, एक और सवाल, कर्फ्यू जारी कर दिया गया है वो भी उतने घटना के बाद? अरे भैया, कहाँ कर्फ्यू जारी हुआ है, कौन सा कर्फ्यू जारी हुआ है? अरे भैया, कर्फ्यू अभी जारी करके आप क्या करना चाहते हैं? कर्फ्यू से क्या हो जाएगा? जब कार्रवाई करना था तो आप तो सोए हुए थे, कार्रवाई करना चाहिए था ना। कितने लोग गिरफ्तार हुए, मैं तो देखा, लाइव चल रहा था, उसमें एक को पकड़े भी और उसके बाद उसको छोड़ भी दिए। ये पुलिस का काम है। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकारी संपत्ति का भी कुछ नुकसान हुआ, कुछ प्राइवेट संपत्ति का भी नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई होगी वैसे सारे लोगों को चिन्हित करके, आप लोग तो लाइव दिखा रहे थे ना, जो लाइव दिखा रहे थे सारे चेहरे तो आप देख रहा था, कुछ लोग अति नकाब भी पहने हुए था, बहुत से लोग बिना नकाब के भी, तो चिन्हित कीजिए, पकड़िए और उसके घर पर बुलडोजर चलाइए और पैसा वसूल। काली मंदिर के समीप गोलियां भी चली? अरे गोलियां, कौन सा गोलियां चली, मैं देखा नहीं, हवाई फायर हो रहा था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।